तो चलिए जी, आज का ब्लॉग हम शुरू करते हैं, बाद में बात करते हैं। अरे साथिया ए दरिया डकेया, दे अझल भिड़ी दे, दे भांगी दे नड़िया। अरे साथिया ए दरिया डकेया, दे अझल भिड़ी दे, दे भांगी दे नड़िया। ए कालुआ पागे आहुला मारी जीवाकू हब पानी कु चिरी, भरसा कालिया आम भरसा कालिया। आरे साथिया ए दरिया डाकेया। ए सिंदूरी सिंदूरी सुरुज आसे मुरुज बुणी, ए भौरी भौरी लहरी तले आम कहानी। आ भासिबारे मिसिबारे हसिबारे भसेना। आरे साथिया ए दरिया डाकेया, आ कात कु भिड़िया आ घाट कु छाड़िया। ओरे माझिया रे आजि घुमरे घुमा घुमरे घुमा, ओरे माझिया रे आजि घुमरे घुमा घुमरे घुमा। हाँ जी नमस्कार, मैं आपका प्रिय प्रकाश। आज हमारा ब्लॉग है संबलपुर हुमा टेम्पल का। अपोजिट में एक छोटा सा आइलैंड है, उसको हम जा रहे हैं। एक नौका के जरिए से हम उसको ये जगह को गए थे। वैसे ये जगह जाने के लिए आपको संबलपुर आना पड़ेगा, और संबलपुर का कोई भी जगह से आप गूगल मैप का जरिए से हुमा टेम्पल के पास पहुंच सकते हैं, उसके बाद आपको ये जगह जा सकते हैं। चलिए आज आपको हम बताते हैं ये छोटा सा आइलैंड जो कि उसका स्पेशल अट्रैक्शन का बारे में। इधर आपको दिखाने ले रहे हैं, इधर श्यामा काली टेम्पल है और एक लेडी जो कि फिश कटिंग करने का टाइम में जो मूर्ति एक स्टोन का बन गया था उसके बारे में हम बताते हैं। एक्चुअली इसका लोकल एरिया लोकेलिटी का बात सुन के हमको पता चलता है कि ये लेडी जो कि इधर कूड़ो फिश जो बोलते हैं उसको काटने का टाइम पे ये स्टोन ही बन गया था, तब का टाइम से ये इस जगह में पूजा भी पाते हैं। तो इसका ये है हिस्ट्री। एक्चुअल में क्या है ना, इधर का जो कूड़ो फिश है इसको इधर का लोकल का आदमी लोग उसका भगवान का अवतार मान के पूजा अर्चना भी करते हैं। ये लेडीज़ को बार बार मना करने के बावजूद वो लेडीज़ ना मानी और ये मछली को एक पकड़ के काटने लगी। तब से ये एक मूर्ति बन गई थी और तब से ये इधर में पूजा अर्चना उसका भी होता है। जो भी हो, ये जगह हम आए इसका नौका का एक सहाय लिए थे जो कि बहुत बहुत कम रुपया लेता है। हम आए ये एरिया का जो सौंदर्य हमको बहुत अच्छा लगा, काम एंड क्वाइट एरिया है। आप कुछ समय आपके क्षण कुछ समय आने के बाद बैठिए, एरिया का सौंदर्य आप उपभोग कीजिए और ये ब्लॉग को पूरा आप एंजॉय कीजिए। चलिए आपको हम पूरा दिखाते हैं ये ब्लॉग, कुछ भी और जो बच गया है हम दिखाते हैं, आप एंजॉय कीजिए। धन्यवाद। Thank you.
चलिए, ये ब्लॉग हमारे के लिए तो बहुत अच्छा था और एक यादगार मेमोरी होके भी हमेशा रहेगा। आपको हम लोग का प्रयास जैसा कि अच्छा से अच्छा जगह हम आप लोग को दिखाएंगे और इसका बारे में बोलने के लिए हमको भी एक मौका मिला, हम आपको दिखाए बोले भी। कैसा लगा ज़रूर हम लोग को कमेंट दीजिए और हम लोग को आगे बढ़ने के लिए हेल्प कीजिए, धन्यवाद। चलिए भाई, एक बात तो मैं भूलना ही भूल गया, बहुत बहुत धन्यवाद जो नावरिया भाई हमको लेके गया उधर तक, और आप लोग भी जो इतना प्यार भी देते हैं।